जब भी डाइट की बात करो तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, वो है क्या मैं ये मरते दम तक कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग नया डाइट स्टार्ट करते हैं, फिर उनको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, बट ऑलमोस्ट 80% लोग विद इन 1 ईयर वापस उसी वेट पर पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल, एकदम सिंपल टू फॉलो और जिससे आप लॉन्ग सस्टेनेबल रिजल्ट्स पा सकते हैं, फिर चाहे वो वेट लॉस हो या वेट गेन या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। हमारे दादा दादी या माता पिता दिन में एवरेज 6 to 8 hours फिजिकली एक्टिव रहते थे, वही आज हम लोग 2 to 3 hours, दैट इज 3 times लेस। बट आप नोटिस करेंगे कि हम लोगों का पैटर्न ऑफ फूड वही है, मतलब सुबह अगर मेरे घर में पहले से पोहा उपमा बनता था तो आज भी वही बनता आ रहा है, दोपहर में सब्जी रोटी और रात को दाल चावल। टू एड ऑन टू दैट, हम लोग और बाहर का खाना ज्यादा जोमैटो स्विगी भी यूज करते हैं, करेक्ट? तो ये सब खाना हैज अ लॉट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी वेरी रिच, विच इज पॉलिश्ड राइस या प्रोसेस आटा, जिसमें फाइबर की क्वांटिटी इज वेरी लेस, एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 6 to 8 hours होता तो एनर्जी जो मिल रही है वो हम यूज कर लेते, बट हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतना नहीं है, तो ये जो शुगर बॉडी में स्पाइक होता है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट डजंट गेट यूटिलाइज्ड एंड दिस बॉडी स्टोर्स एज फैट फॉर लेटर यूज। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस कार्ब्स इनटेक। नाउ हाउ डू यू डू इट? वेरी सिंपल, रिड्यूस योर रोटी एंड राइस बाय 50% and replace them with complex food like millets, jawar, bajra, which has more fiber content. And also increase your salad, dal, soup and veggies. Point number 2. जब हम caves में रहते थे तो हमारे पास कुछ vessels या बर्तन नहीं थे, correct? To store water or to store any other liquid. So जब भी हमको प्यास लगती तो हम क्या करते थे? फल खाते थे. Fruits are 70 to 80% water. एंड इससे हमारी प्यास चली जाती थी। अब ये जब इतने समय से होता आ रहा है तो ब्रेन में सिग्नल ऐसा हो गया है कि जब भी प्यास लगे तो कुछ खाने का क्रेविंग होता है, हेंस काफी लोग मिड मील स्नैकिंग करते हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्रेविंग्स आर बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड नॉट हंगर। तो दिन में पानी अगर हम पीते रहेंगे तो रैंडम ईटिंग भी नहीं होगा और क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगे। हाउ टू डू इट? Very simple, keep your bottles close to yourself and keep yourself hydrated. Point number 3, eat 2 different colored fruits every single day. You know, fruits are rich source of lot of micronutrients and fiber. Adding 2 different colored fruits would be a great substitute for reducing those random cravings. मेरे लिए तो fruit ही sugar craving का option है, तो मैं भी काफी sweet tooth हूँ, तो थोड़ा मीठा तो जीवन में होना ही चाहिए, इसीलिए fruits and specially you can also add something like dates which is very sweet. Point number 4, keep your vitamin D3 and B12 levels in check. अगर D3 कम होगा तो आपका strength कम होगा, B12 कम होगा तो energy levels कम होंगे. So add this as a part of your diet to keep a check on your D3 and B12 levels. ये 2 vitamins इतने ज्यादा important है कि इस पे हमने dedicated videos बनाए हैं, जिसकी link हम description में डाल देंगे, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। Point number 5, reduce your refined oil intake. ये एक coincidence नहीं हो सकता कि जैसे जैसे refined oil का use बढ़ा है वैसे वैसे health issues भी बढ़े हैं। रिफाइंड ऑयल बस नाम के लिए रिफाइंड है, बट एक्चुअली रिफाइन करने के प्रोसेस से सारे ऑयल के न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज 1 thing फॉर योर हेल्थ, चेंज योर कुकिंग ऑयल। कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस मेथड से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है आप उसे चूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम कुकिंग ऑयल के ऊपर एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। अब लास्ट एक ऐसी टिप जो डाइट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, विच इज एक्सरसाइज। अब
आपने कभी तो खुद को ये कहा ही होगा कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, कल से एक्सरसाइज करूंगा तो फिर अच्छे से कंट्रोल करूंगा, यस और नो? सो लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और आपने बहुत बार सुना भी होगा शायद कि 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज, 70% एक्सरसाइज, 30% डाइट। मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये ऐसा हो गया जैसे हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो, दोनों का अपना अपना रोल है, राइट? और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट रिसर्च से एक चीज बहुत अच्छी समझ में आई है, डूइंग एक्सरसाइज हेल्प्स यू मेक हेल्दियर चॉइसेस। उसका उल्टा शायद ट्रू ना हो, मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप एक गुड डाइट फॉलो करेंगे। बट अगर आप गुड डाइट फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका मन करे एक्सरसाइज करने का। सो मेक श्योर यू डू सम एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, ओके? क्विक समरी फॉर यू, पॉइंट नंबर वन, रिड्यूस योर सिंपल कार्ब्स लाइक रोटी एंड राइस एंड इंक्रीज योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। पॉइंट नंबर टू, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थ्री, eat two fruits every single day. 4, check your D3 and B12 levels. And 5, change your cooking oil. And to complement all this, exercise every day. Thanks a lot for watching this video and to be part of our community on WhatsApp, where we share good information on health and healthy habits. The link is in the description. If you would like this video, you may also want to check out this video.